ओके दे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीएस अंकल कांसिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? बट उसके पहले क्यों ना पुराना रिवाइज कर लिया जाए। कल तो मतलब एकदम हैवी हैवी शॉट्स मार दिए तुम लोग ने यार, तो आज शांति से पूरा का पूरा कॉस्ट शीट अपन लोग रिवाइज करेंगे। एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तब तक मैं उसको करवाऊंगा, एंड देन आई एम श्योर वील बी गुड टू गो। क्या बोलता है पब्लिक, लेट द गेम बिगिन। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो चलो स्टार्ट करता हूं मैं फिर। वील कीप इट वेरी वेरी सिंपल, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है? कोई घाई नहीं है हमारे को। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो क्या बनाना है अपने को, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन लोग? चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है कोशीट। मेरा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोशीट। यस, सो लेट्स स्टार्ट। फटाफट अपन लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखना, अब यहां से तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स और इंप्रूव होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। जैसे जैसे मैं पूछते जाऊंगा, तुम लोग को अपने कैलकुलेटर पे, अपना कैलकुलेटर क्या बोल रहा हूँ, कीबोर्ड पे या मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल से फटाफट सबको आंसर देना स्टार्ट करना है। लेट द गेम बिगिन। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कौशी। चैप्टर का नाम है कौशीट। कौशीट क्यों बना रहे अपन लोग बताओ, ठीक है? कहना ऐसे ही अपने ही एग्जाम्पल से स्टार्ट हुई थी। अपने को ही घर पे कुछ पॉकेट मनी दिया गया था और बोला गया था ये पॉकेट मनी को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, बराबर है? और उसी से मैंने सीखा कि तीन चीज, तीन रीजंस है जिसकी वजह से मुझे ये पॉकेट मनी को सही तरीके से अकाउंट करना चाहिए। तो क्या है वो तीन रीजन जिसकी वजह से ये कॉस्ट शीट बना रहे अपन लोग? बोलो बोलो, चल चल एवरीबॉडी बताइए। टू, कॉस्ट का पता करने। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे। तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द कॉस्ट, ओके। उसके बाद सेकेंड चीज आप क्या करने वाले हो, कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लिया, फिर करेक्ट उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करना है। सो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन, विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन। समझो क्लासिफाई भी कर लिया बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में, सो दैट इट बिकम्स इजीली अंडरस्टैंडेबल। सो इजीली अंडरस्टैंडेबल विद इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट, इजीली इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट। एम आई राइट एवरीबॉडी? चल डन। सो ये मेरा कॉस्ट शीट का स्टार्ट था। इस कॉस्ट शीट में जो मेन एलिमेंट है वो है कॉस्ट, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आज के बाद मेरे लिए खर्चे या तो दो ही तरह के खर्चे होंगे दुनिया में, और तीसरा कोई खर्चा नहीं। बोलो क्या है वो दो खर्चे, बोलो बोलो चल चल एवरीबॉडी। कौन, एवरीबॉडी हैज टू आंसर। नाइस। सो या तो वो एक डायरेक्ट कॉस्ट या वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, ठीक है? अब वो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो बताओ मुझे जरा। करेक्ट एवरीबॉडी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट
स्लैश प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा तो फिर आप मुझे बताओ ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट विच इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट स्लैश प्रोडक्शन। कह रहा इसे उसको कहते हैं अपन लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या ये इधर तक अपने को सबको क्लियर है, इधर तक किसी को कोई भी डाउट है क्या बच्चों, इधर तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं सर, इधर तक एकदम सिस्टमैटिकली वी आर सॉर्टेड। ठीक है, अब मुझे बताओ डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए तीन एलिमेंट्स है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए तीन ही एलिमेंट्स है, यानी डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तीन ही एलिमेंट्स में घिरे हुए। क्या है वो तीन एलिमेंट्स? वेरी गुड, करेक्ट सर। या तो वो मटेरियल होगा, या तो वो लेबर होगा, या तो वो एक्सपेंसेस होगा, भले ही वो डायरेक्ट का हो या वो इनडायरेक्ट का। चलो इधर तक भी सब लोग क्लियर हो, एकदम मस्त आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, कुछ कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे मैं देख रहा हूं, वो लोगों को मैं बहुत जल्द डीएक्टिवेट करवा दूंगा लाइव में से। ठीक है, आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जो लोग एक्टिव नहीं है, देखो आपने आपने लाइव में लिया इसीलिए कि आप कम्युनिकेट कर सको ना, जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे अगर तो आपका लाइव में रहने का फायदा क्या, तो मैं आपको डीएक्टिवेट करवा दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए, बट या तो आप समझ गया ना। गुड, चलो तो इधर तक अपने को क्लियर है। अब वापस से मैं अगर इधर बनाता हूं तो कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आपको बताना है डायरेक्ट कॉस्ट के तीन बाइफरकेशन, अब आपको बताना है डायरेक्ट कॉस्ट के तीन बाइफरकेशन। एवरीबॉडी कम ऑन, डायरेक्ट कॉस्ट के तीन बाइफरकेशन क्या है? वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल, वेरी गुड, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल है, कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल है, क्या दो तीन चीजें होगी जिससे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल है? चलो बोलो। हाँ भाई बताओ कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल है? वेरी गुड वेरी गुड, आइडेंटिफाइबल। फिर और दो तीन कुछ वर्ड्स बोल दो। सो नाइस, आइडेंटिफाइबल, टच एंड फील, कॉस्ट इंकर्ड टू मेक द प्रोडक्ट रेडी टू यूज, वेरी गुड, ओके, आइडेंटिफाइबल। अच्छा तुम लोग ने बाय द वे नोट्स कॉपी कर लिया है ना, जो जो नोट्स में लिखवा रहा हूं वो कॉपी कर लेना बाय विदाउट फेल। डायरेक्टली चार्जेबल टू प्रोडक्ट, वेरी गुड, सो डायरेक्टली चार्जेबल शुड बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यूज्ड इन मेकिंग द प्रोडक्ट, वेरी गुड वेरी नाइस। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर, वेरी गुड, प्लीज कुछ भी पेंडिंग मत रखना, ओके, हाँ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड एवरीथिंग, राइटिंग वर्क एकदम क्लियर रहना, आइडेंटिफाइबल, टच एंड फील, डायरेक्टली चार्जेबल, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है चलो, वर्कर यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स, वर्कर यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स, वर्कर यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स, वेरी नाइस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, एनी डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इज डायरेक्ट एक्सपेंस।
डन, ठीक है, इधर तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट तो हो गए भाई, ये तीनों को मिला के क्या बनता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला के क्या बनता है, बोलो बोलो चल चल। करेक्ट, दिस इज योर प्राइमरी कॉस्ट, ये तीनों को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट, ये तीनों को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। डन, तो इधर तक एकदम सिस्टम दिमाग में बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, विद एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन आप लोग मुझे बता रहे हो, डन है। चलो अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन बाइफरकेशन है, बोलो क्या, करेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, All of these three is equal to शाबाश शाबाश एवरीबॉडी, गुड गुड गुड, करेक्ट, ये तीनों को मिला के बनता है ओवरहेड्स, ये तीनों को मिला के बनता है ओवरहेड। ओवरहेड्स तीन टाइप के होते हैं, ओवरहेड्स तीन टाइप के होते हैं, क्या है वो तीन टाइप, तीन टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, बोलो याद करो, ठीक है। गौरव बोल रहे हैं सर ओवरहेड्स या इसको सेकेंडरी कॉस्ट भी बोलते हैं, वेरी गुड, चलो ओवरहेड्स तीन टाइप के होते हैं, क्या है वो तीन टाइप, बोलो बोलो टेल टेल, वेरी नाइस शौनक, सो फैक्ट्री ओवरहेड, ओके, फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट राइट राइट। चलो अब एक एक को पिकअप करते हैं, आप मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में क्या तीन तरह का चीजें आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या चीजें आएंगी, चलो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा, बोलो, कैन आई से फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर है, ठीक है ठीक है, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मुझे तीनों का एक एक एग्जाम्पल चाहिए, फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटीरियल, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स का मुझे एक एग्जांपल चाहिए ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चलिए वेरी गुड, टूल्स एंड स्पेयर्स, करेक्ट, ये आ जाएगा इधर सर, टूल्स एंड स्पेयर्स, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड बट इनडायरेक्ट लेबर, मतलब फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है बट लेबरर है बट इनडायरेक्ट है वो, ऐसा कौन है, करेक्ट, सुपरवाइजर सैलरी, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है बट वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो क्या हुआ वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सा है ऐसा, ये देखो विवेक गोयल, विवेक गोयल ने लिखा है सीए सैलरी, विवेक गोयल रॉन्ग है, क्यों मैं बताता हूं तेरे को, क्या सीए फैक्ट्री में काम करता है कि ऑफिस में काम करता है, तो वो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा, विवेक गोयल समझा, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में बंदा काम कर रहा है बट डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है, सुपरवाइजर सैलरी,
फैक्ट्री में कोई मटेरियल यूज हो रहा है बट डायरेक्टली प्रोडक्शन से आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, टूल्स एंड स्पेयर्स। फैक्ट्री में कोई खर्चा हो रहा है बट डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री रेंट या मशीन डेप्रिसिएशन। ए समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल, इधर तक सब लोग क्लियर हो? कोई डाउट किसी को? साइट इंजीनियर भी आएगा ना सर लेबर में? यस 100% आएगा, डोंट वरी। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं तुम लोगों को पूरा और डिटेल में करवाऊंगा। अभी तो और बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं तुम लोगों को और डिटेल में करवाऊंगा जब मैं यहाँ पे अपना, अभी तक तो मैंने अपना बुक ओपन नहीं करवाया है, जब मैं ये मेरा बुक ओपन करवाऊंगा ना तब तो और डिटेल में करवाने वाला हूं बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाइफरकेशन देखो कितने सारे हैं, ये सब चीज करवाने वाला, अभी टाइम है। सही समय पे सब चीजें करवाऊंगा मैं, एडमिन ओवरहेड्स के इतने सारे बाइफरकेशन, सेलिंग ओवरहेड्स के इतने सारे बाइफरकेशन, सब करवाऊंगा। अभी मुझे खाली बेसिक आप लोग के दिमाग में सेट करना है। लॉजिक एक बार सेट हो गया ना, फिर उसके अंदर एग्जाम्पल्स तो मैं अनलिमिटेड दे सकता हूं। सर फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट में, एक्सपेंस में, प्लांट एंड मशीनरी का मेंटेनेंस आएगा? आएगा। सो लिख लो भाई, प्लांट एंड मशीनरी मेंटेनेंस। अब तुम लोग को ही लॉजिकली सोचना है, क्या वो फैक्ट्री में काम हो रहा है? यस। क्या वो इनडायरेक्ट है? यस। मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, पुट अप कर दो उसको, समझे? वैसा डन, मशीन मेंटेनेंस रिपेयर सब वहां पे आएगा। ओके डन, मशीन रिपेयर, मशीन मेंटेनेंस सब उधर जाएगा। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब आते हैं ऑफिस एडमिन। ऑफिस एंड एडमिन का, सो ऑफिस में होने वाला, ऑफिस में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है? ये मेरा जाएगा ऑफिस एंड एडमिन में, परफेक्ट। अच्छा इसका भी एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन लोग, आ जाओ। सो ऑफिस एंड एडमिन का ओ एंड ए लिखते हैं इसको, ओ एंड ए। ऑफिस एंड एडमिन का कोई इनडायरेक्ट मटेरियल बता दो। कैन आई से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में पड़ी होती है, फैक्ट्री में नहीं पड़ी होती है, तो वो ऑफिस में पड़ी है, मटेरियल है, बट डायरेक्टली यूज फॉर प्रोडक्शन है क्या? द आंसर इज नो। सो ये आ गया यहां पे। अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने आप को रैशनली दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर, विवेक गोयल अब तेरा आंसर दे बेटा, इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? करेक्ट, यहां पे आ जाएगा एडमिन स्टाफ का सैलरी। यहां पे अगर आपको सीए का सैलरी डालना है आप डाल सकते हो। सो शौनक ने बोला है सर कंप्यूटर्स भी मटेरियल में आएगा ना? ले शौनक तेरा जवाब, कंप्यूटर एक फिक्स्ड एसेट है, तो कंप्यूटर ऑफिस में पड़ा रहता है, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा यहां पे। समझा शानू बेटा? समझा? ए शानू, शानू बेटा समझा क्या? अब ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए यस यू कैन राइट ऑफिस रेंट। डन, ओके डन, यस यस यस, यशस्वी यस, सुयश सुयश तू है, पहला आंसर दिया है तूने बेटा, कहां पे है तू? चलो गुड 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 गुड। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, लास्ट, एंड दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसका मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में होने वाला
indirect material, indirect labor, indirect expense. Okay, Suyash. चल अब बताओ इसके भी एग्जाम्पल्स कुछ. सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मटेरियल. यस टेल मी सेकेंडरी पैकेजिंग. वेरी नाइस वेरी नाइस गाइस. मुझे लगा ये भूल जाओगे तुम लोग. वेरी नाइस सेकेंडरी पैकेजिंग डन. ओके फिर इनडायरेक्ट लेबर. मार्केटिंग टीम का सैलरी. सो मार्केटिंग टीम सैलरी एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन. ए समझू एवरीवन. जय पाल. Salary of delivery truck driver. Okay, done, done, done. Holding cost. यहाँ पे advertisement slash holding cost भी यहाँ पे आएगा. Carriage outward आएगा. Yes, definitely carriage outward आएगा यहाँ पे. Carriage outward का मतलब क्या होता है सर? सो गुड्स बेचने के लिए अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन इंकर किया है. कैरियज इनवर्ड मतलब जब सप्लायर कुछ गुड भेज रहा है तो रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए मैंने कोई खर्चा किया. कैरियज इनवर्ड. ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड खर्चा किया. कैरियज इनवर्ड. कस्टमर को बेचने के लिए कोई खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड. कैरियज आउटवर्ड विल बी अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डन. सो आई थिंक वी आर नाउ ऑल सेट. तो मैंने आप लोगों को ये करवाया था और मैंने बोला था कि चलो ये अब मेरा टोटल जो भी खाना बनाने के लिए सामग्री है वो तैयार है. अब मैं कॉस्ट शीट बनाने के लिए रेडी हूं. चलो अब कॉस्ट शीट बनाने के पहले मैंने आपको दो चीज बताई थी. एक दैट कॉस्ट शीट इज ऑलवेज फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड. सो कॉस्ट शीट ऑलवेज मेड फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड और ड्यूरेशन. एंड दूसरा दूसरा क्या है? इट इज मेड फॉर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट. मेड टू कैलक्यूलेट कॉस्ट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ऑफ अ प्रोडक्ट. डन 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 डन. डन ठीक है. चलो ओके हो गया. अब मैं कॉस्ट शीट बनाने के लिए तैयार हूं. क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे पूरा कॉस्ट शीट बनाना? अरे यार सर क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग तो हेल्प नहीं कर पाएंगे. क्या लग रहा है अगर समझो मैं पूरा का पूरा कॉस्ट शीट अभी छोड़ दूं तुम्हारे पे? नहीं छोड़ूंगा, बताऊंगा मैं ही. बट अगर मैं समझो बोलता हूं कि पूरा का पूरा कॉस्ट शीट तुम लोग ही मुझे डिक्टेट करो, क्या बोलते हो? रेडी हो? ये आपको लगता है नहीं नहीं सर आप ही बनाओ, हम लोग आपका देखेंगे फिर एक दो दिन बाद हम लोग बनाएंगे. क्या लग रहा है कि या फिर लग रहा है कि नहीं नहीं सर अब भी हम ही आपको पूरा बताएंगे और आप जैसा जैसा हम लोग बोल रहे हो वैसा ही लिखोगे? बोलो क्या लगता है? क्या बात है, आप रेडी है? बहुत बढ़िया. अच्छा विवेक, विवेक और शुभम को कुछ डाउट्स थे तो ये कॉस्ट शीट बन जाएगा, फिर विवेक और शुभम के डाउट अपन ले लेंगे. ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. सो अपन बना रहे हैं कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट फॉर जो भी ड्यूरेशन है
for product for duration. ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट किससे स्टार्ट करोगे बोलो? डायरेक्ट मटेरियल. चलो खाली वर्ड डायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा, साथ में ड्रॉ करे क्या? 100% यस. साथ में ड्रॉ करो, लिखते जाओ, सब तुमको एक साथ मैनेज करना है भाई. चलो डायरेक्ट कॉस्ट. ओके, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? लेट्स सी. ए, डायरेक्ट मटेरियल. खाली डायरेक्ट मटेरियल वर्ड लिखूंगा क्या मैं? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. देखो एक होता है डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड. अब परचेस तो मैं कितना भी करूं यार, क्या फर्क पड़ रहा है? बट आई शुड टेक इन टू अकाउंट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट शीट जितने प्रोडक्ट के लिए बना है उसके लिए कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. परचेज तो मैं कितना भी कर सकता हूं. तो आई विल टेक कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. बोलो क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट? स्टार्ट एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल. वेरी नाइस नकुम, वेरी नाइस. नकुम ने एक ही शॉट में सब बता दिया. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फिर एड कैरिएज इन वर्ड्स. वेरी गुड. लेस, वेरी गुड. सेल ऑफ स्क्रैप. अब खाली स्केल ऑफ स्क्रैप लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा पूरा. सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तुम लोग अगर थोड़ा सा मेरा लिखने का तरीका ऑब्जर्व करोगे ना तो उसमें एक कंप्लीटनेस है, उसमें एक कंप्लीटनेस दिखेगी तुम्हारे को. बस ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लोग भी डेवलप करोगे आई एम श्योर, बट बता रहा हूं खाली मैं. सो ये आ जाता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर, डन. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक को एड और क्लोजिंग स्टॉक को लेस क्यों किया है? मैं आपको बता रहा हूं, लोगों का कॉस्ट शीट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है ये एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग क्यों किया है. क्यों? क्योंकि सर हम लोग को बचपन से सिखाया है एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए हमने भी एड किया, लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक, एड ओपनिंग स्टॉक किया. अरे ऐसा थोड़ी होता है. क्या इसका रीजन क्या है वो बताओ. बोलो. कंजम्पशन बेसिस. वेरी गुड सुयश. क्योंकि क्लोजिंग इस साल काम में आया ही नहीं है. वेरी नाइस शुभम. ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग. तो इस बार इस स्टॉक को मैं यूज करने वाला हूं मेरे प्रोडक्शन के लिए. और वैसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो बच गया है, वो ये बार के लिए मैं यूज ही नहीं करने वाला हूं, तो ये बार मैं कंज्यूम ही नहीं करने वाला हूं. तो उसको मैं बोलता हूं चल यहां से बाहर निकल, उसका माइनस कर दिया मैंने. ओपनिंग इस साल यूज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में यूज होगा. ओपनिंग, वेरी नाइस. चलो तुम लोग एकदम लॉजिकली रिप्लाई कर रहे हो एंड दैट्स रियली नाइस. चलो ग्रेट, डन. सो ये मेरा एक फर्स्ट पार्ट हो गया गाइस. नेक्स्ट बी, बोलो इसमें क्या ऐड करते हैं अपन लोग? वी विल यूज डायरेक्ट लेबर. ठीक है, सो जो भी अपना वेजेस है इंक्लूडिंग बोनस. फिर और कुछ बोनस के साथ? कोई भी प्रोविडेंट फंड जो भी है वो सब इधर ऐड हो जाएगा. सी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
डायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को दिए हैं, मुझे जरा बताओ क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं मैंने तुम्हारे को, दो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को दिए हैं, क्या है वो दो एग्जाम्पल बताओ मुझे जरा, बोलो बोलो चल चल। वेरी गुड, मशीन ऑयल एंड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये सब को मिला के बनता है मेरा डी एंड दैट इज प्राइम कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी, यस यस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एसके डूइंग कार बिजनेस, करेक्ट। चलो इधर तक एकदम क्लियर है फॉर्मेट, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा अपन लोग ने, तो प्राइम कॉस्ट तक तो सर सब समझ में आ गया है, डी प्राइम कॉस्ट तक तो सब समझ में आ गया है, एंड व्हाट इज दैट, इट इज ए प्लस बी प्लस सी, डन। अब ऐड होता है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट की जर्नी, बोलो पहला इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा मैंने ऐड किया है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में तीन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं ओवरहेड्स, तीन ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ पहला मैंने कौन सा ऐड करना है। करेक्ट, प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा वो अभी तुम लोग ने मुझे बताया था यार, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा तुम लोग ने बताया था, टूल्स एंड स्पेयर, सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, मशीन डेप्रिसिएशन, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा का सारा सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। तो वापस से मैं वही लिखू तो कोई मतलब नहीं बनता है, समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। फिर भी चलो तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए मैं लिख देता हूं, टूल्स एंड स्पेयर, सुपरवाइजर सैलरी, बस एक दो लिख दिया मैंने, ठीक है, बाकी अभी अपन लोग ने डिस्कस करते वक्त लिखा ही था। हाँ, ये टोटल क्या बनता है, स्टोर मैनेजर सैलरी, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स, स्टोर मैनेजर तो लिख दिया बट स्टोर होता क्या है, वेरी गुड, ये टोटल मिला के बनता है मेरा ई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जहां हम रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, जहां हम रॉ मटेरियल को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोर, वेरी नाइस। चलो अब मुझे बताओ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अब इसमें क्या होगा आगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में अपन क्या करेंगे, बोलो बोलो टेल टेल। वेरी नाइस, सो देखो क्या होगा, अब मैंने क्या बोला था, कॉस्ट शीट इज मेड फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड और फॉर अ पार्टिकुलर ड्यूरेशन। अब से फॉर एग्जांपल जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म हुआ, हो सकता है मेरा कुछ रॉ मटेरियल आधा अधूरा बन के रेडी है, मिलन अभी, मतलब बोलते ना रॉ मटेरियल अभी आधा अधूरा है, फिनिश गुड्स अभी आधा अधूरा है, तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी नहीं है, सो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। सो यहां पे एड सेम लॉजिक क्यों एड करते हैं वो अपने को पता है अभी, सो एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ये बन जाता है मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट,
ये बन जाता है मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. गॉट इट गाइस? डन. इसको नेट वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं. वेरी नाइस. ठीक है, ऐसे है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, बट वो सब चीजें मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा स्टूडेंट नोट्स में. अभी फिलहाल ये चीज पे क्लैरिटी ले लेते हैं. चल, नेट वर्क्स कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इधर तक आ गए अपन लोग, समझ में आ गया? ओके ओके ओके. So, यहां पे मैंने लिख दिया है नेट फैक्ट्री कॉस्ट. अब आप मेरे को बताओ ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट में मैं क्या करूंगा? अब आता है सबसे क्रूशियल एडजस्टमेंट, जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं. देखते हैं आप करते हैं या नहीं. अब आता है मेरा स्पेसिफिक एडिशन, एंड ये है सबसे खतरनाक स्पेसिफिक एडिशन. इसको अपन ने नाम दिया है क्यू आर ए ब्रैकेट में सी. चलो आओ वापस से इसको समझने की कोशिश करते हैं. स्पेसिफिक एडिशन, सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा? स्पेसिफिक एडिशन. क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? करेक्ट, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मतलब मैं आपको बताता हूं क्या. तो देखो, मैंने अगर ये पेन बनाया, ठीक है, अब ये पेन बराबर बना है कि नहीं, क्वालिटी का बना है कि नहीं, उसके लिए मुझे क्वालिटी टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आईएसओ से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा. तो ये सब अगर मुझे क्वालिटी का टेस्टिंग करना है, सर्टिफिकेशन करवाना है, तो उसका खर्चा लगेगा. वो खर्चा कहां पे जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में. समझ में आया क्या शुभम? तो अभी तूने कोई प्रोडक्ट तो बना दिया, अब वो प्रोडक्ट क्या वो टॉप क्वालिटी के लेवल का है, वो तुझे कैसे पता चलेगा? तो तुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करने के बाद उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, आईएसओ वालों को बुलाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री में, और उनको बोलना पड़ेगा देखो टेस्ट करो, चेक करो बराबर है क्या. वो आएंगे, चेक करेंगे, उसका खर्चा लेंगे अपने से, वो खर्चा अपने को कॉस्ट उसको इंकर करके देना है, वो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे अपन लोग? समझ में आया? चलो ठीक है सर, क्वालिटी समझ में आ गया. उसके बाद देते हैं आर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब सुनो, मैंने बना दिया है आईफोन 15. अब मैं आईफोन 15 बनाने के बाद क्या आराम करूंगा? सपोज मैं आईफोन का ओनर हूं, मैं आईफोन का ओनर हूं, स्टीव जॉब्स, टिम कुक, मैं हूं उसका ओनर. अब मेरे को बताओ, मैंने अगर आईफोन बना दिया, उसके बाद क्या मैं आराम करूंगा या फिर मैं नेक्स्ट आईफोन की तैयारी करूंगा? कैन आई से मैं नेक्स्ट आईफोन की तैयारी करूंगा? तो नेक्स्ट आईफोन की तैयारी के लिए मुझे नया कैमरा लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है. उसके बाद मेरे को नया से फॉर एग्जाम्पल कुछ नया ईयरफोन लाना पड़ेगा, ईयरपॉड लाना पड़ेगा, नया स्क्रीन लाना पड़ेगा, उसका साइज कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो ये सब मैं कहां पे करूंगा? एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बिठाना पड़ेगा, वो करेगा, करेक्ट. तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मेरे मोबाइल फोन को अब जो नया अपग्रेडेड लेवल पे लेकर आएगा, दैट अपग्रेडेशन के लिए जो उनके ऊपर मैं खर्चा करने वाला हूं, फिर मेरे को कुछ कैमरा मैं मंगवाऊंगा बाहर से चेक करने के लिए कि भाई कौन सा कैमरा मेरे ऊपर बराबर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है. ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अपग्रेड माय प्रोडक्ट, टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब न्यू वेरिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट. ओके, मतलब जो डेवलप कर रहे हैं रिसर्च करके. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. सो उसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. समझ में आया तेरे को शुभम? टन. ओके, उसके बाद
क्यू आर ए, ए मतलब करेक्ट एडमिन ओवरहेड्स, बट कौन सा वाला? जेब बात रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चल अब एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री के अंदर होने वाला अगर कोई एडमिन ओवरहेड्स है, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूजुअली जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम है वो ऑफिस में होता है, बट अगर कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम फैक्ट्री में हो रहा है, देन इन दैट केस वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इवन दो है एडमिन काम, बट बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री इट विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो कहां पे जाएगा? यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? वैसे हाँ भाई, समझ में आया एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, सो कोई भी ऑफिस वाला काम से अगर कोई सीए फैक्ट्री में आ रहा है और फैक्ट्री में आके कुछ स्टॉक का ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो वो स्टॉक ऑडिट उसने फैक्ट्री में आके किया, उस स्टॉक ऑडिट के लिए उसको जो भी सैलरी मिलेगा वो कहां पे जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि यूजुअली सीए का सैलरी तो ऑफिस एंड एडमिन में जाता है, बट बिकॉज उसने यहां पे फैक्ट्री में आके स्टॉक ऑडिट किया इट विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। समझे? शाबाश, डन। नेक्स्ट सी, क्रेडिट फॉर स्क्रैप रिकवरीज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप बाय प्रोडक्ट मिसलेनियस इनकम, मतलब अब मैंने रॉ मटेरियल आया सप्लायर के पास से, एकदम टॉप क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया, मैंने उसको मेरे मशीन में प्रोसेस करने के लिए डाला, प्रोसेस होते वक्त एक दो मटेरियल थोड़ा खराब हो गया, अब प्रोसेस हो गए बाहर आया वो, तब बाहर आया तब मुझे पता चला अरे यार ये तो थोड़ा खराब हो गया, अब मैं इसको कस्टमर को तो बेच नहीं सकता, तो मैं इसको जाके भंगार वाले को भेज दूंगा, तो वो रॉ मटेरियल खराब नहीं है, रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद अगर थोड़ा कुछ खराब निकला और वो मैं भंगार वाले को देख के कुछ पैसा कमा रहा हूं, दैट क्रेडिट फॉर स्क्रैप विल कम हियर। समझ में आया? एंड दूसरा है बाय प्रोडक्ट, जैसा मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, मैं जब शुगर केन से शुगर बनाता हूं तो बाय डिफॉल्ट एक कचरा बन जाता है मोलासिस, और मार्केट में वो जो कचरा मोलासिस बना है उसका भी मार्केट है, तो मैं तो शुगर केन से शुगर बना रहा था बट ये तो तुक्के में मोलासिस बन गया, तो चलो ये जो मोलासिस बन गया है उसको मार्केट में बेच के आता हूं, बट ये बनाना मेरा इंटेंशन नहीं था, ये तो बाय प्रोडक्ट बन गया, तो उससे जो मार्केट के बेच के पैसा मिला उसको भी कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यहां पे उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड कर दूंगा। दो एग्जाम्पल, मोलासिस वाला और रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद खराब हो जाता है और उसको अपन लोग जब भंगार वाले को रद्दी वाले को बेच देते हैं, तो वो दोनों कहां पे आते हैं? यहां पे। समझ में आया? यस। सो यहां पे इसको अपन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अभी क्लियर गाइस? एंड लास्ट आता है मेरा प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, अब टूथपेस्ट बनाना है मुझे, तो टूथपेस्ट तो बना दूंगा मैं, बट वो टूथपेस्ट को मैं डालूंगा कहां पे? तो वो ट्यूब आती है, बराबर है, तो वो जो टूथपेस्ट की ट्यूब है, क्या वो टूथपेस्ट की ट्यूब के बिना टूथपेस्ट प्रॉपर प्रोडक्ट बन पाएगा क्या? द आंसर इज नो। सो एनी पैकेजिंग डन टू कीप द प्रोडक्ट इंटैक्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकेजिंग। फिर उसके बाद कुछ एक बड़ा मैंने कोई
पैकेज लिया, उसके अंदर 100 टूथपेस्ट भर दिए, वो मेरा सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगा। समझ में आया? इसका भी मैंने कल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दिया था, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। जो कंपलसरी है, एग्जैक्टली, कि भाई इसके बिना मेरा प्रोडक्ट अधूरा है। क्या आप लोग कभी रेस्टोरेंट में से ऑर्डर किया है कुछ आपने? तो आपने ऑर्डर की है सब्जी, अब वो सब्जी जो वेट जो जो डिलीवरी वाला पर्सन है वो सब्जी किसमें हाथ में तो लेकर नहीं आता ना। आपने तो से फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर किया मंचाव सूप, अब वो मंचाव सूप हाथ में तो लेकर नहीं आएगा, आपने तो मंचाव सूप ऑर्डर किया। तो मंचाव सूप को इंटैक्ट रखने के लिए जो मैं पैकेजिंग करूंगा वो क्या हो जाएगी? मेरी प्राइमरी पैकेजिंग। उसके ऊपर कुछ और एडिशनल पैकेजिंग की सेकेंडरी पैकेजिंग। डन? क्या आप लोगों का क्यूआर एसीपी क्लियर हो गया बच्चों? ये सब ऐड करके क्या मिल जाएगा? अब ये सुनो, ये सब ऐड करके क्या मिल जाएगा मेरे को? सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको अपन बोलते हैं नेट वर्क्स कॉस्ट, इसमें अपन क्यू आर ए सी पी ऐड कर दिया तो ये क्या मिल जाता है? करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मुझे बताओ ये सीओपी में क्या करोगे एडलेस? ये सीओपी में एडलेस क्या करोगे आप लोग? अब क्या एडलेस होगा? करेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड होगा। नाइस नाइस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं क्या करूंगा? ऐड, क्या ऐड? अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? करेक्ट, इसमें अब मैं ऐड करता हूं वो वाला ऑफिस एंड एडमिन। कौन सा वाला ऑफिस एंड एडमिन पता है? ये वाला ऑफिस एंड एडमिन ऐड कर दूंगा उधर। उसके बाद ये वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दूंगा उधर। समझ में आया तेरे को? क्या नाम है इसका? मिस्टर साहू, क्या ये वाला ऑफिस एंड एडमिन समझा है तुझे? हाँ। क्या ये वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझा है तुझे? हाँ। तो भाई ये अगर तुझे ये दोनों समझा है, यही तो यहां पे ऐड करना है, ऑफिस एंड एडमिन जनरल वाला ओवरहेड्स एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला ओवरहेड्स डन। ये मेरा ऐड करके क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट या लॉस एड लेस करेंगे, आपको मिल जाएगा सेल्स। ए समझ गए? डन गाइस।
सो क्या अब आपको कोई नींद से भी उठा के बोलेगा कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जरा तनिक बना के दो? क्या बना पाओगे? बोलो मित्रों। यस गाइस, बोलो जल्दी, डन हो गया सब लोग का? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? चलो डन। अब एक क्विक फायर कॉस्ट शीट बनाते हैं अपन। क्विक फायर, तुम लोगों को मुझे खाली गाइड करते जाना है, फटाफट बोलते जाओ जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्विक फायर कॉस्ट शीट। ठीक है, तैयार हो आप लोग? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या बनता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ, इसमें ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, क्या मिलता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। डन। इसमें चलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड QRACT, ये सब ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बोलो क्यू क्या है? क्यू QRACP तुम लोग को फिल करके दिखाना है, फटाफट बोलो, चलो जल्दी। कमान।
नाइस, वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लिखते जाओ पूरा. नानी खाली एडमिन ओवरहेड्स नहीं लिखेगा ये में, पूरा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सो क्यू क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ए एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सी क्रेडिट फॉर रिकवरीज. क्रेडिट फॉर रिकवरीज बाय प्रोडक्ट, पी प्राइमरी पैकेजिंग. ऑलराइट गाइस, ऑलराइट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है. इट इज जस्ट दैट के जब तेरे सेल्स एक्सपेंडिचर्स भी ऐड हो जाते हैं, सेल्स रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाते हैं. जब तक नहीं होते हैं तब तक इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैसा. सो नथिंग ग्रेट एज सच. चलो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे अपन? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एड इसमें जनरल एंड एडमिन ओवरहेड्स, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. यहां पे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे सारे कॉस्ट आ गए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में खाली उतने कॉस्ट जितने अपन बेचने वाले हैं ना, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट यहां तक आया है. एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. समझू? चल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस QRACP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसमें जनरल एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स एट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. चलो ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? इधर तक सब क्लियर है? अच्छा विवेक गोयल, विवेक गोयल को कुछ डाउट था? विवेक अभी तेरे को क्या डाउट है वो पूछ ले एक बार. तू बोल रहा था कुछ लास्ट वाले में कुछ इश्यू था तेरे को, प्लीज यू कैन आस्क मी. बोलो बोलो, टेल टेल, इफ नॉट तो मैं आगे बढ़ता हूं. ऑल डाउट्स क्लियर? ओके चल डन. कुछ स्पेसिफिक नोट्स लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना. नोट नंबर वन, ये नोट क्या है पता है? जब अपन सम सॉल्व करेंगे ना,
तो मालूम है अपन लोग जब ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं, बस ये वैसे ही कुछ है, ट्रायल बैलेंस के कुछ एडजस्टमेंट के जैसे ही है ये। आओ देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट नोट है रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स। नाउ साथ साथ हाँ लिखते जाओ चलेगा। देखो तीन तरह के गुड्स होते हैं, तीन तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है रॉ मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं डीएम, डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। दूसरा होता है, देखो अभी जो नोट्स लिखवा रहा हूं मैं, दे विल बी यूज्ड फॉर आर सम सॉल्विंग, तो ध्यान से समझना है इसको। सेकेंड है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कब आता है? आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंड लास्ट है मेरा फिनिश्ड गुड्स, ये कब आता है मेरा? आफ्टर QRACP में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अच्छा ये रॉ मटेरियल हो, WIP हो या फिनिश गुड हो, कोई भी हो, इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट, ऑलवेज। याद है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, गुड्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट ऑलवेज वैल्यू डेट कॉस्ट। समझ में आया? ओके इसमें भी एक स्पेसिफिक है, इसमें भी एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली फिनिश्ड गुड्स शुड ऑलवेज या इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ए समझू सर, NRV पे भी कर सकते हैं ना, वो सब तुम्हारे अकाउंटिंग में, हमारे कॉस्टिंग में ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट फुल स्टॉप, और फिनिश गुड्स अगर हुआ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले अपन क्या करेंगे पता है? अपन पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे और फिर उसी को यूज करके फिनिश गुड्स कैलकुलेट करेंगे। चल तो सर ये कैसे कैलकुलेट होगा बताएंगे, वो आपको सम के थ्रू हम बताएंगे। फिलहाल यहां पे सर तो कैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फिनिश गुड्स कैलकुलेट होगा, तो जैसे अपन लोग यहां पे कर रहे हैं ना, यहां पे कैसे अपन लोग सब ऐड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। बस इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेस लेके ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। वो कैसे करेंगे तुम्हारा भाई बताएगा जब क्वेश्चन आएगा, नॉट टू वरी। चलो लिख लो पहले इतना, प्लीज राइट इट डाउन। जब चाहिए तो ऐसे लिख दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। चलो लिख लिया, अब सुनो। अब जैसा शुभम ने पूछा कि सर कैसे करेंगे वो बताओ, चलो एक आइडिया दे देता हूं आपको। समझो आपने कॉस्ट शीट बना रहे हो आप लोग, एंड दिस कॉस्ट शीट इज फॉर 5000 यूनिट्स, ठीक है। आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब मिला के आपका हुआ ₹1,00,000, ठीक है। फिर इसमें और एड हुआ आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, से ₹75,000, ठीक
तो ये हो गया 1,75,000। इसमें फिर से ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ये सब करके आपका से नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया 2 लाख। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया 2 लाख, ठीक है। इसमें एड क्यू आर ए सी पी से अपना आया 50,000। तो आप बताओ मुझे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यू आर ए सी पी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद क्या मिलता है अपने को, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यू आर ए सी पी ऐड कर लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, बोलो बोलो, टेल टेल। करेक्ट, अपने को मिलता है 2,50,000। बराबर है, ठीक है। अच्छा सुनो, अपन कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, अपन कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, अपन कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, 5,000। अपना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 2,50,000। तो एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, ₹50 पर यूनिट। सबका आंसर आया ये? अरे कुछ लोग 5 लिख रहे हैं, रे ओ गौरव, ओ विश्व साहू, 50 ना, बराबर ₹50 आया। अब सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया आप लोग का, 2,50,000 तक आया, बराबर है। इसमें अपन लोग करते हैं मालूम है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सपोज ये गिवन है, सपोज ये गिवन है 25,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, समझो ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड यहां पे बोला है टोटल 2,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में है। आप बताओ क्या बोला है, फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, बराबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना आया, 50 पर यूनिट। तो मेरा 2,000 यूनिट्स इंटू 50 पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ₹1,00,000। ए समझ में आया, कमाक्षी पूछ रही है सर ये 2 लाख कैसे आया था, अरे कुछ भी मैंने अजम्पशन लेके नंबर्स लिया है रे कमाक्षी, ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल लिया है। करेक्ट, तो अभी मेरे को बताओ सीओजीएस कितना मिल जाएगा, मेरे को सीओजीएस कितना मिल जाएगा, 250 प्लस 25, 275 माइनस 1 लाख, 1,75,000। ए समझू, समझे क्या गाइस, समझे क्या, बोलो। तो तुम लोग पूछ रहे थे सर ये यूजुअली मैं सम के थ्रू बताने वाला था, बट अभी तो आपने पूछा तो मैंने बोला चलो बता देता हूं। तो फिनिश गुड्स इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको पहले। बता रहा हूं, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मिल जाएगा। फिर वो क्वेश्चन ही आपको देगा भाई कितने यूनिट्स आपके पास स्टॉक में पड़े हैं, उसको वैल्यू कर दो एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, हो गया काम। लिखना नहीं है अभी फिलहाल, फ्लो में जाने दो मेरे को, फिर लिखने का टाइम दे दूंगा, अभी फ्लो में मेरे को करने दो। चल इतना समझ में आया सब लोग को गाइस, तो नोट नंबर 1 क्लियर है, नोट नंबर 1 क्लियर है, चलो आ जाओ नोट नंबर 2 पे चलते हैं।
चल नोट नंबर टू पे आ जाओ। डन, आ जाओ नोट नंबर टू पे। सुनो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड, जो भी है। वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ जनरल फॉर्मूला है। ये लिखिए जनरल फॉर्मूला फॉर कैलक्यूलेटिंग फिनिश्ड गुड्स स्टॉक्स। एंड ये शायद आप लोग फाउंडेशन में बचपन में भी लिखे होंगे, बट अभी लिख लीजिए ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स सोल्ड। देखो भाई, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है, मैंने कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो मेरे पास और उतना आ गया। उसमें से समझो मैंने कुछ यूनिट्स बेच दिए तो जो बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इसको चाहिए तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना मेरे पास पड़ा है प्लस मैंने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, इसमें से मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पड़ा है, या ऐसे भी बोल सकते हो वो जो बच गया वो मेरा यूनिट्स सोल्ड। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसमें से कितना मैंने बेच दिया है, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी श्रद्धा। प्लीज कॉपी। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं। शुभम, अगर तेरे को तीनों में से एक भी समझा है तो बाकी दो, बाकी समझने में क्या तकलीफ हो जाएगी तेरे को? भाई अगर तुझे ये समझा है तो अब इसको इधर लेकर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अब इसको तू इधर प्लस लेकर आएगा तो ये ऐसा जैसा हो जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं।
देखो अरे मेरे भाई, मेरे को बोल रहा है सर मुझे ना ये वाला समझ गया, मुझे ये वाला नहीं समझा। तुझे मैथ्स आता है, मैथ्स बेसिक मैथ्स, तो ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक को उधर ले जा, इक्वल टू के उधर ले जा, तो तुझे क्या मिलेगा बता, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। छोड़, एग्जाम्पल ही देता हूं तेरे को मैं। सपोज आपके पास था ओपनिंग स्टॉक 2,000,000। बोल रहे सर सेकेंड और थर्ड वाला फॉर्मूला समझ गया, फर्स्ट वाला नहीं समझा। शुभम, शुभम के लिए एक एग्जाम्पल। शुभम मैं 10 + 3 -4, ये क्या होता है, ये 9 होता है, क्या मैं इसको 10 + 3 = 9 + 4 लिख सकता हूं? इसको माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, पर तो ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, या ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस सोल्ड जो बच गया वो क्लोजिंग। तो भाई मेरे, जब मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो इक्वल टू से उधर लेकर आता हूं तो प्लस हो जाता है, ये वही तो फॉर्मूला है, समझा? कोई बात नहीं, तो भी मैं तेरे लिए एक एग्जांपल दूंगा, तुझे समझा तो भी। देखो इधर, तो बात कुछ ऐसी है कि समझो ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,000 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 45,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स, क्या आप यूनिट सोल्ड कैलकुलेट कर पाओगे? स्टार्ट, कम ऑन, बोलो कितना आएगा यूनिट सोल्ड? करेक्ट। सो अभी आप लोग क्या करोगे, देखो भाई कितना ओपनिंग था 10,000 और मैंने प्रोड्यूस किया 45, उसमें से 5 बच गया, मतलब बेचा कितना होगा 50,000 इज माई यूनिट सोल्ड। शुभम साहू समझा तेरे को? अगर शुभम साहू मुझे किसी चीज के लिए बोल दे हाँ सर समझा, तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझा, बराबर शुभम? डन। चलो अब नेक्स्ट, समझो ओपनिंग स्टॉक 8,000 यूनिट्स, यूनिट सोल्ड 18,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक, यूनिट सोल्ड 75,000 यूनिट्स। नाइन थाउजेंड यूनिट्स, बोलो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। बोलो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। सिंपल, 66,000 आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। परफेक्ट, समझ में आ गया सबको कि भाई 18,000 है प्लस कितना प्रोड्यूस किया नहीं पता, इज इक्वल टू ले लो 9,000 प्लस 75,000, सो 84,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू
66,000 यूनिट्स। समझ में आई बात? क्लियर? अगर कभी और कंफ्यूजन हो तो एक ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने का। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अपन लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखते हैं परचेजेस, इधर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इधर लिखते हैं यूनिट सोल्ड। ये वही तो है, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। डन गाइस? ग्रेट। सो ये मेरा कौन सा था? नोट नंबर 2। ये कौन सा था? नोट नंबर 2। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, नोट नंबर 3 एंड दैट इज इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट शीट। इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट शीट। चलो प्लीज बोलो। आओ लिखवाता हूं। बेसिकली मेरा फोकस एक्सक्लूजन्स के ऊपर है, बट ठीक है चलो मैं एक्सक्लूजन्स लिखवा देता हूं पहले। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट शीट। आओ पहला पहला देखो, ये ना मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट शीट किसके लिए बनाता हूं? एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, राइट। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स में ना बहुत सारी चीजें आती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती है, वही अभी मैं लिखवा रहा हूं। सो इधर मैं लिख देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ बिलो लिस्ट is included in making financial accounts, but अपन financial accounts बना रहे क्या? नहीं, अपन cost accounts बना रहे। तो इधर but excluded while making cost accounts, ठीक है। So, क्या है वो लिस्ट? आओ बताता हूं। पहली लिस्ट में पहला नाम देखो, हमें क्या बोला था, अपन लोग कॉस्ट शीट बनाते एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब समझो कोई मशीनरी या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज या सेल हुआ, उसके ऊपर कोई गेन या लॉस हुआ, तो वो कोई इस प्रोडक्ट का तो कोई गेन या लॉस नहीं है, सो इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट। सो फर्स्ट एक्सक्लूजन, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट स्लैश इन्वेस्टमेंट डन। ओके सेकेंड, ये था पहला ए, बी दूसरा। एनी अबनॉर्मल कॉस्ट अगर कुछ हुआ, जैसे अगर पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक के लिए आपको कोई अलग से कोई खर्चा करना पड़ा, सो
उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. सो एनी अबनॉर्मल कॉस्ट अगर हुआ, सो दैट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट. सो एनी अबनॉर्मल स्लैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट, ठीक है. एग्जाम्पल, कॉस्ट पर्टेनिंग टू अ पेंडेमिक और स्ट्राइक और लॉकआउट बाय एम्प्लॉइज, ठीक है. ऐसा कोई कॉस्ट बहुत अबनॉर्मल हुआ तो उसको वैसे भी इग्नोर करना है, एक्सक्लूड करना है. सी, ये खाली लिख लो, ऐसा कोई काम का वो इतना वो नहीं है. लॉस बाय थेफ्ट और फायर, लॉस बाय थेफ्ट और फायर. सवाल में फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप लोग लॉस बाय थेफ्ट और फायर डेबिट साइड पे लिखते हो, पीएनएल अकाउंट में यहां पे वो सब आएगा ही नहीं. इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स तो ओवरऑल प्रॉफिट पे देते हो, प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाने में कहां उसका जरूरत. डोनेशन, वो भी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए तो कोई देता नहीं है. पेनल्टी और फाइन, सो ये तो जनरल कुछ कॉस्ट है जो खाली फाइनेंशियल अकाउंट में ही आएंगे. ओके, प्लीज कॉपी. कॉपी.
ओके गाइस, नाउ ऐतिहासिक घड़ी आ रही है। जब सर पेनल्टी एंड फाइन स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती क्या? नहीं, ये यूजुअली पेनल्टी एंड फाइन कैसा है, इनकम टैक्स का पेनल्टी लग गया वो सब है, तो हाँ उसका है। अब स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे, फिर एक दो थोड़े एक दो शायद नेक्स्ट सेशन में मैं तुम लोगों को ये भी करवा दूंगा। चलो अब आ जाओ यहां पे। चलो आ रहे अपन लोग क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर। पब्लिक क्या बोलता है? 5 मिनट देता हूं, खुद से ट्राई करोगे क्या? तो मैं देता हूं ट्राई करने को। गूगल ड्राइव वालों, तुम लोग भी खुद से ट्राई करो और बाकी लोग भी। फॉर्मेट तुम लोग के पास रेडी है? फॉर्मेट चाहिए तो ओपन रखता हूं। क्वेश्चन नंबर वन आपको बनाना है कॉस्ट शीट, ट्राई करो। चलो 5 मिनट देता हूं, थोड़ा हाथ पैर मारो। यस, ये मेरी ही बुक है, प्लीज ओपन दिस एंड स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, आज का तुम लोग का होमवर्क मैं बता दूंगा तुम लोगों को। आज पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एकदम बराबर से करना है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग ने अभी ये फॉर्मेट लिखा क्या? तुम लोग को लिखना है, टाइम दू 5 मिनट, फॉर्मेट लिखना है तुम लोगों को कि लिख लिया है, ये वाला फॉर्मेट लिखना है कि लिख लिया है, ये प्रॉपर डिटेल फॉर्मेट लिखना है कि लिख लिया है। लिख लिया? ठीक है। चलो तो फिर आ जाओ इधर। अब मैं इस सम को सॉल्व करने जा रहा हूं। ऐसे तो मेजॉरिटी पब्लिक का आ गया है आंसर, बट कैसे इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए, फर्स्ट द डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 21। सो अपने को कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप्रैल 21। कंपनी का नाम नहीं दिया है, प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया है, तो उसको ऐसे ही रख देंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड अप्रैल 2021। चल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक 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 करके इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। कम अब अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो उसने बोला है फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट, उसने अपने से कॉस्ट पर यूनिट भी मांगा है। तो कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको और एक यहां पे करेक्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। पार्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। आओ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स, एडमिन, सेलिंग, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड। अब सुनो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 4000, कितना यूनिट सोल्ड है 3600। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, वो इंफॉर्मेशन अपने को ऑलवेज ऑलवेज लिख लेना चाहिए। सो थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं।
units produced and units sold. ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है रॉ मटेरियल 1,80,000। अब थोड़ा सा लॉजिक्स यूज करते जाना। तो अपन लोग इधर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तुम्हारा तो आई एम श्योर पेपर बड़ा होगा तो आ जाएगा। अब सुनो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 1,80,000। अब ना कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ना कोई कैरियज इनवर्ड, ना कोई सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ नहीं दिया है। तो यही 1,80,000 आ जाएगा आपका कंज्यूम। अच्छा, डिवाइड करोगे आप यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ या यूनिट्स सोल्ड के साथ? सीधी सी बात है, अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है उसी से डिवाइड करेंगे। सो कॉस्ट पर यूनिट में यहां पे आ जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स एंड ये आता है मेरा ₹45 पर यूनिट। गॉट इट? समझे क्या? ठीक है, सो याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ऑलवेज यूज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उसी का खर्चा ये। डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है? 1,80,000, 1,80,000 का। ये 1,80,000 का डायरेक्ट मटेरियल क्यों कंज्यूम हुआ है? क्योंकि मैंने 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है। आइए नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कुछ दिया है? डायरेक्ट वेजेस 90,000, वही है मेरा डायरेक्ट लेबर। ओके, अगेन पर यूनिट इमीडिएटली यहां पे डिवाइड बाय 5,000 कर लेंगे तो 22.5 आएगा, बराबर है। सो 90,000 डिवाइड बाय, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है तो क्या ले लेंगे अपन? डैश, एंड अपने को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 2,67,5. Done? Done? So, total cost per unit cost. इधर अपन लिख रहे हैं प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर फैक्ट्री ओवरहेड्स करते हैं। अब यहां पे किसी को कुछ डाउट था फैक्ट्री ओवरहेड्स में? देखो ना, मशीन आर्स वर्क्ड, मशीन कहां पे काम करता है? फैक्ट्री में। तो मशीन से रिलेटेड खर्चा कहां पे जाएगा? फैक्ट्री में। समझ में आया? अच्छा, कितना खर्चा है तो डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने बोला है 10,000 पर आवर, उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने कैसे बोला है 10,000 आवर्स इंटू 8 पर आवर, 10,000 आवर्स इंटू 8 पर आवर। सो यहां पे अपन लिख देंगे 8 पर आवर।
समझ में आया? सो ये कितना हो जाता है 80,000। सेम 80,000 डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स आ जाता है 20। 20 Got it, guys? राधिका जी, आपको समझ में आया ये कैसे आया? मशीन आवर्स वर्क्ड इनटू मशीन रेट पर आवर। डन। बोलो क्या मिल जाता है ये मेरे को, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? अच्छा अभी सुनो, ये मेरे को मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 3,50,000। कॉस्ट कितना? 87.5। अच्छा अभी सुनो, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग WIP दिया है, क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP दिया है? सो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बन जाएगा। देखो क्वेश्चन में ना कोई ओपनिंग WIP है ना कोई क्लोजिंग WIP है। डन। ओके, उसके बाद QRACP ऐड करते हैं अपन लोग। QRACP, क्या आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिख रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल है? जनरल है। जनरल कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद वाले में जाता है जनरल, खाली रिलेटेड टू प्रोडक्शन जाता है QRACP में। सही है। ओके, फिर सेलिंग ओवरहेड्स, वो भी उधर सेलिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, सो मेरा QRACP भी 0,0। सो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहां से खींच लेता हूँ। ओके, राधिका जी का डाउट आ गया है, राधिका जी का डाउट आ गया है। तो इन शॉर्ट मेरा यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा 350 एंड 87.5। अब सुनो, राधिका जी का क्वेश्चन है हाउ इज दिस इनडायरेक्ट। कौन सा पूछ रही है वो पता है? वो पूछ रही है इस क्वेश्चन के लिए, सर मशीन आवर्स वर्क एंड मशीन आवर रेट इनडायरेक्ट कैसे है? पहली बात, क्या ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है क्या तेरा, कि भाई कितना ऐसा दिया है क्या कि भाई कितना नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए ये खर्चा हो रहा है तेरा? नहीं, ये इन जनरल दिया है, इतना मशीन आर काम हुआ है तेरा और इतना तू पर आर बेसिस पे दे रही है। अगर ये पर यूनिट पे होता ना राधिका जी, अगर ये पर यूनिट पे होता ना, सपोज ये मशीन आर रेट तेरा पर यूनिट पे होता ना, तो फिर तू बोल सकती थी तो ये मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता, बट ये पर यूनिट के बेसिस पे नहीं है, और अगर वो यूनिट के बेसिस पे वेरी नहीं हो रहा है इसके लिए उसको इनडायरेक्ट लिया है। समझा राधिका? ओके ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस। क्या लेस कर रहे हैं अपन लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर रहे हैं। बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है दिया है क्या? द आंसर इज यस। एंड याद रखना, अभी बताया था क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो आओ एक वर्किंग नोट के थ्रू बताते हैं। आओ वर्किंग नोट 1, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या बोलता है आपको? दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस
units produced is equal to closing stock of finished goods, minus closing stock of finished goods is equal to units sold. Units sold. अच्छा, opening stock कुछ दिया है zero. Units produced दिया है 4000. Closing stock दिया है नहीं पता. Units sold दिया है 3600. इधर x is equal to 400 units. समझिए, यही है क्लोजिंग स्टॉक. यही है क्लोजिंग स्टॉक. समझ में आया? तो अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि भाई 400 यूनिट्स एट द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कंपलसरी. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 87.5. यहां पे अपन लिख देंगे एट द रेट 87.5 पर यूनिट. गॉट इट? तो 400 इंटू 87.5 एंड इट इज 35,000. गॉट इट गाइस? ओके. So, अब मेरे पास यहां पे आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,15,000. बट ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. तो अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो डिवाइड इधर किसके साथ करूंगा मैं? Correct, it will be divided by number of units sold. So 3,15,000 divided by 3,600 units. And ye aa jayega 87.5. Chhota sa cheez hai, dhyan rakhne ka. Idhar tak dekho, ek note chahiye to likhwa deta hu main. Ek note likhwa deta hu. Up to कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज टेक यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बट आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलवेज टेक units sold. समझे? टन चलो एड. एडमिन जनरल वाला दिया है क्वेश्चन में. यस, 35,000 अगेन डिवाइड बाय सोल्ड के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. सो 35,000 डिवाइड बाय 3,600 यूनिट्स. Okay, then add selling and distribution. Kitna diya hai dekho? 5 into number of units sold 3600. So, ye kitna ho jayega? 18,005. And finally, mil jayega apne ko कॉस्ट ऑफ सेल्स. यस, क्या मिल जाएगा अपने को?
मिल जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो कितना आ रहा है। 87.5 प्लस 9.72 प्लस 5, 102.22। हाँ, 31,3,15,000, 35,000 प्लस 18,000, 3,68,000। लास्ट में आ जाएगा मेरा सेल्स। जगह बहुत कम है बट जगह नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। क्या बात है नहीं। सेल्स कितना आ रहा है। सेल्स देखो बोलो कितना आ रहा है। सेल्स क्वेश्चन में देखो दिया है कुछ, कितना दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 125, सो 3600 यूनिट्स इनटू 125। एंड इट इज 4,50,000। मुझे मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। वाह, एकदम सिस्टमैटिकली किया। तुम लोग का भी 82,000 आया था बट आई होप अब तुम लोग ने ऐसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख के सॉल्व किया है। यस गाइस, अब मुझे बताओ क्या इसमें किसी को भी कोई डाउट, कोई शक, सबको आया समझ में। हाँ, क्या इश्यू आया, बोल बोल नानी। सर, शुड बी शो कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इन एवरी स्टेप। द आंसर इज यस, बिकॉज क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। मैंने मशीन आर्ट्स वाले को डायरेक्ट में ले लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हो सकता है वो गलती, बट अगर वो पर आर के जगह पर यूनिट टू लिया होता होता तो आपका बात बराबर होता, बट अभी इट विल गो इन इनडायरेक्ट ओनली। चलो, विद दिस वी कंप्लीट दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन गाइस। मजा आया सॉल्व करके, ठीक है। अब सुनो, आप लोग को आपका होमवर्क आज का बता दूं, मैं भूल जाऊं उसके पहले। आपका आज का होमवर्क है फुल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, एंड दूसरा क्वेश्चन नंबर टू इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर टू इज योर होमवर्क। एग्जाम क्वेश्चन भी है एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट। प्लीज लिख लीजिए।
डन, लिख लिया ये। ओके चलो इस नोट पे आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कम 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 ये रहा, प्लीज ओपन कम ऑन। अगेन 5 मिनट दूंगा, ट्राई करना है, इवन गूगल ड्राइव वालों आप लोगों को भी ट्राई करना है एंड देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। नहीं अब्दुल आएगा, जहां पे भी सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट तो आएगा ही। अब अगर तुम लोग नोट करोगे ये क्वेश्चन मैनेजेबल है, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो। टू ऑल द स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव वालों पॉज करके तुम लोग भी ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में एक फायदा है आप लोगों को, पर यूनिट कहीं पे बोला नहीं है तो नहीं निकाला तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपको बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म। सो सीधा मेन टोटल वाला फाइंड आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कम ऑन ट्राई। यस यस सुयश करेक्ट। चलो स्टार्ट करेंगे, आई मीन तुम लोग का हुआ, चलो तुम लोग आगे बढ़ते जाओ, हम भी करते जाएंगे। आई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अपने को बनाना है एक कॉस्ट शीट। काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है,
बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नीचे वाला इंफॉर्मेशन. द फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर. द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द ईयर एंड इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द फर्म सोल्ड 14153 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 618 यूनिट पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर. सो देखो क्या हो रहा है. फर्म ने कितना प्रोडक्शन किया? 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन किया. द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो हमारे को पता है. द फर्म सोल्ड 14153 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर. सो मेरे पास सेल्स है, मेरे पास प्रोडक्शन है, क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिखेगा. कैन आई से ओपनिंग स्टॉक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, यूनिट्स सोल्ड है? करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा गाइस. सो आइडियली जब भी आप सम को सॉल्व करो ना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यूनिट सोल्ड लिख दिया करो, जैसे अपन ने यहां पे भी लिख दिया था. लिख दिया करो प्लीज, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट. सो यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा उसी के साथ, दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक या लेस यूनिट्स सोल्ड, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट? ओके, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है कितना? 1217. देखो एक बात समझ लो, सुनो, अपनी है ना आदत होती है कि अपन बहुत घाई घाई में क्वेश्चन को आंसर देने के लिए भागते हैं, बट कहीं ना कहीं अपन लोग भूल जाते हैं दैट इतना फास्ट आंसर के लिए भागे, उससे अच्छा उतना टाइम अपने को स्पेंड करना चाहिए क्वेश्चन को रीड करने में. सो प्लीज दो चीज याद रखो, एक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्लीज क्वेश्चन को दो बार रीड किया करो, तभी आपको आधी ज्यादा चीजें पता चल जाएगी. So, यहां पे देखो क्या है मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, मेरा क्वेश्चन में दिया है 1217. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना दिया है? 14,000. यूनिट्स सोल्ड कितना दिया है? 14153. एंड अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड दैट इज इक्वल टू, डन. ओके, सो ये मेरा एक आ गया फर्स्ट पार्ट. अब मेरे को कॉस्ट शीट बनाना है. सो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं. क्या मेरे को इसमें कॉस्ट पर यूनिट बनाना है? क्या बोला नहीं है, बट फिर भी एज अ हैबिट अपन लोग बना लेंगे उसको भी. कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको. और देखो दूसरा चीज, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को जरूरत पड़ता है. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो ऐसे भी अपने को जरूरत पड़ने ही वाला है. चल आ जाओ. कौन है ये? क्वेश्चन का नाम क्या है? योर एंडेड 31st मार्च. कुछ लिखा नहीं है. कॉस्ट शीट फॉर योर एंडेड 31st March. ट्वेंटी ट्वेंटी वन
पार्टिकुलर्स अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिया है, ठीक है, अच्छी बात है. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, फ्रेट इनवर्ड्स दिया है. कहना है इसे ये चारों का चारों किधर यूज हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में. डायरेक्ट वेजेस पेड दिया है, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है. फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, डब्ल्यूआईपी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग दिया है. एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है. सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल दिया है. बहुत शाना समय है, बहुत शाना समय है, ठीक है. तो क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? द आंसर इज यस. सो लेट्स स्टार्ट. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें तो पूरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम खोल के रख दिया है, पूरा खोल के रख दिया है, मतलब लिटरली, क्योंकि इट हैज एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग, ऑल द एलिमेंट्स. सो देखो इधर, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एड कैरियज इनवर्ड्स सेल ऑफ स्क्रैप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलो कितना दिया है? 2,28,000. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 42,25,000. ओ हो. कैरियज इनवर्ड्स, सो जो जो होते जाते हैं उसको टिक मारते जाने का. फ्रेट इनवर्ड्स इज कैरियड इनवर्ड्स 1,00,000. फिर क्लोजिंग एंड सेल ऑफ स्क्रैप 8,000. ये मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. बोलो कितना गाइस, प्लीज हेल्प मी, कितना कितना 2,28,000, 42,25, 1,00,000, -8,000, -3,05,000, ये आता है 42,40,000. करेक्ट. अब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है? 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है. सो अगर करना हो तो डिवाइड बाय 14,000 कर सकते हो, जरूरत पड़ा तो आपको पर यूनिट भी मिल जाएगा, ठीक है. कंटिन्यू करते हैं. फिर नीचे देखो, अगर तुम लोग नोट करोगे तो ये है डायरेक्ट मटेरियल, इसी के नीचे डायरेक्ट लेबर भी दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट लेबर भी दे दिया है, डी डब्ल्यू पेड. बट और एक अच्छी चीज दी है क्वेश्चन में, ये बार डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग. बोलो इसको क्या करोगे? सर आउटस्टैंडिंग है, मतलब खाली पे करना बाकी है. अक्रू तो हो गया है तो पे तो करना ही पड़ेगा, तो खर्चा तो हो गया है, बस पे होना बाकी है. तो खर्चा हो गया है तो सर ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो 12,56,000 एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,50,000, ठीक है. थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश वी विल गेट प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है?
56,46,000. Divide by 14,000 units. ये आता है 403.29. ठीक है, समझ में आया इधर तक सबको? ये किसी को चाहिए इधर तो इधर लिख सकता है भाई, 56,46,000 डिवाइड बाय 14,000 यूनिट्स. ठीक है, डन. सो प्राइम कॉस्ट तक आ गया है. ओके, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे. सर, कॉस्ट पर यूनिट सीधा फाइनल प्राइम कॉस्ट पे लेना है या डायरेक्ट कॉस्ट पे भी? अपने ऊपर है, डायरेक्ट प्राइम पे लिया तो भी चलेगा, लास्ट में सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं है ना स्पेसिफिकली, तो अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन में बोला था तो अपन ने एक एक लाइन आइटम पे लिया था. सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं आ रहा है. देखो बिटवा देखो, आएगा आएगा. क्वेश्चन को इसीलिए बोलता हूं ध्यान से पढ़ो. तूने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा क्योंकि तुझे ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स ही नहीं दिखा होगा. ये रहा देख, फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक 1217. अच्छा वैल्यू में नहीं आ रहा है, अरे वो तो मैं अभी करवा रहा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है? ये भी यार टाइम पास है, शुभम भी है, मेरे को करवाने दे ना, मैं करवाऊंगा और नहीं आएगा उसके बाद लिखे आप पे भाई. हाँ चलो, प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या करते हैं अपन, फैक्ट्री ओवरहेड्स. मैं टेंशन में आ गया, मैं बोला कि भाई क्या पता यूनिट्स का नहीं आ रहा है. अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है कितना, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. बोलो कितना आता है, 56,46,000 20% 11,29,200. Done. Next. Gross factory cost. प्लस 56,46,000 67,75,200 एंड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 192,500 147,000 करेक्ट एंड मुझे मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. चलो 67,75,200 प्लस 192,500 लेस 147,000 68,27,000. ठीक है, इसमें एड एडमिन है ना, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ये हो गया ये हो गया. अब लास्ट एक बचा है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सो एडमिन आरटीपी रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना आता है, 173,000 फाइनली मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 68,27 प्लस 173,70 लैक्स. बस अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड कर लो, कैसे करेंगे तो 70 लाख
डिवाइड बाय 14,000 यूनिट्स एंड इट इज 500 पर मिनट. सो बस सब तो पर यूनिट का काम भी नहीं है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 लाख, कैसे आइए 500 पर यूनिट. आ 70 लाख डिवाइड बाय 14,000. ठीक है भाई, 618 सेलिंग प्राइस है राजा. उसने 618 ले लिया शुभम ने, समझा ना. ओके अब इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो अपने को कैलकुलेट करना है. ये देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 1064 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 500 पर, एट द रेट रुपीज 500 पर. ठीक है, तो कितना आता है 5,32,000. ,32,000 ओपनिंग स्टॉक 6,08,500. एंड वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70 लाख प्लस 6,08,500, 5,32,000, 70,76,500. ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरा. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और तो कुछ है नहीं, तो ऑफिस एंड एडमिन जनरल में डैश डाल देंगे, इसमें डाल देंगे डैश. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा बोलो 16 पर यूनिट, तो 16 इंटू कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आएगा यहां पे, याद रखना सोल्ड कितने सोल्ड है 14153. सो वी विल राइट हियर 14153. टू टू सिक्स फोर फोर एट, टू टू सिक्स फोर फोर एट एंड मुझे मिल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेवन थर्ट 7302948. ओके अब पर यूनिट अगर मेरे को फाइंड करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं, तो 7302948 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. कितना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 14153 यूनिट्स. एंड इट इज 516 पर, एंड इट इज 516 पर. बस हो गया भाई काम अपना. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया है मेरे पास कितना 7302948. अह 516 पर यूनिट का मेरे पास इधर ये आ गया है. ओके मेरे पास अब सेल्स का फिगर है कितना 14153 इंटू 618. तो ये मेरा सेलिंग प्राइस भी दे दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 618 एंड 87 46
54, we will get profit. One double four, 3606, and profit 618 minus 516, 102 per unit. जी हाँ, वाओ, जब आंसर मैच हो जाए उससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है कि नहीं? राइट, सो आई होप देख लो आंसर हो गया मैच. यस, चलो. सो आप लोग के लिए आज काफी अच्छा वाला होमवर्क है. डन. सो आज अपन लोग ने कौन से दो क्वेश्चंस किए? 9 किया, 1 किया. सो आज अपन ने क्या किया वो मैं इधर लिख देता हूं. लेक्चर डिटेल, अपन ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कंप्लीट किया, क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 9 किया, क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है एंड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. ठीक है, ओके. चलो भाई, चलो, डन एंड डस्टेड विद टुडे सेशन. कैसा लगा? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट यस, चीजें हो पाएंगी अपने से. शुभम को और विकास को, आई थिंक विवेक को, विकास क्या नाम है उसको, डाउट्स था वो क्लियर हो गए तुम लोग के. चलो, इफ डायरेक्ट वेज इज आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग ईयर होता तो डिडक्ट होगा क्या? हा, यस दिव्या, डन. Do we have to scan our homework and send somewhere? Yes, to me. WhatsApp it to me. Okay? Done. So, great guys. Please notes, अभी का अभी मैं upload कर रहा हूं. तुम लोग please notes download करके copy कर लेना without fail. अगर कुछ miss हो गया होगा तो. ठीक है, चलो. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, थैंक यू सो मच. पर्सनल में भेज दो, फिर देखते हैं एक बार. आज का तो पर्सनल में भेज दो. थैंक यू सो मच यशु. Done. Okay, hasta la vista. Keep smiling. See you all tomorrow with some more sums, more concepts on cost sheet. Thank you. Bye-bye.